Hey guys, आज है Merry Christmas. एक बार मेरी स्वेटर चेकआउट करना यार, मैं आज पूरी क्रिसमस वाइब में हूँ. एंड बिकॉज इट्स क्रिसमस टुडे, भाई स्वीट्स खाने तो बनते हैं. तो आज की वीडियो में ना I'll be eating a lot of desserts. मतलब सीन तो मेरा ऐसा है कि अगले 8 घंटे में 8 डेजर्ट्स खाऊं. और मतलब ये सिर्फ सीन है, रियलिटी का पता नहीं. मतलब मैंने लिस्ट बनाई हुई है पूरी पूरी. एंड जो भाई मैंने डेजर्ट शॉर्टलिस्ट किया ना आज की वीडियो के लिए, दे आर गोना ब्लो योर माइंड. एंड दिस इज प्रोबब्ली गोना बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर. तो भाई हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. खुश रहा करो यार, और थैंक यू सो मच, लाइक लिटरली थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. भाई लोट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. अब मक्खनबाजी बहुत हो गई, अब खाने चलते हैं. गाइज, व्हाट अ वे टू स्टार्ट द डे. This is a chocolate mushroom Belgian praline. Chocolate mushroom praline. Yeah. Excuse me. What is Belgian praline, by the way? Sorry. What is Belgian praline, by the way? That's a, you know, cream is inside of the stem. Okay. That cream is called Belgian praline. All right. All right. और अभी मैं हूँ Ophelia में, and it is at Ashoka Hotel. I mean, how did they even manage to pull something like this? भाई come closer. अब तो भाई इसको मैं murder करने वाला हूँ. इसके अंदर इन्होंने साइड में कीवी फ्रूट एंड ड्रैगन फ्रूट भी डाला है. ओके. ओ ओ आई एब्सोल्युटली मर्डर्ड इट. ओके, जो बेल्जियन पार्लिन है दैट्स द चॉकलेट क्रीम. Guys, the chocolate is like butter. Once you take the bite, bhai, ye to melt ho jayegi aapke muh mein. And I'm gonna try this now. मुझे पता है आप लोग क्या बोल रहे हो. क्या तुषार भाई, इतना बढ़िया मशरूम था, गंद मचा देते हो. यार फ्लेवर वाइज इट हैज अ गुड एसेंस ऑफ कॉफी और आई लव दैट. यार ये जो अभी हमने खाया है ना, मेन्यू में लिखा हुआ था प्राइस 500 समथिंग रुपीज, बट भाई 700 रुपए का बिल आया. मेरी फटली भाई 700 रुपए का बिल देख के. आई मीन चीज बढ़िया थी जो भी थी, बट 700 रुपए, ओ भाई साहब. अब जैसा भी है यार, मैं बाज नहीं आने वाला. और अब मैं जा रहा हूँ लेबनीज चीज के खाने. लेट्स गो. यार चेक दिस आउट. आई नो बात हुई थी लेबनीज चीज केक की, बट तुम्हारा भाई वहां पे गया था जहां पे मिलता है लेबनीज चीज केक. अनफॉर्चुनेटली आज वहां अवेलेबल नहीं था. तो यार मैंने अपनी गाड़ी घुमाई और मैं आया सीपी, और मैंने ऑर्डर किए वेंगर्स के वॉफल्स. भाई पता है क्या, मैं जब इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तब मैंने बहुत जगह पे पढ़ा कि वेंगर्स सर्व्स दिल्ली बेस्ट वॉफल्स. यार खाना तो दूर की बात, मैंने वेंगर्स के बारे में कभी सुना भी नहीं था. और आज भाई स्वीट्स वीडियो हो रही है, तो दिस इज आई थिंक द बेस्ट वीडियो टू फिट इन दीज वेंगर्स के वॉफल. वहाँ पे ना यार 5-6 वेराइटीज के वॉफल्स थे. मैंने ऑर्डर किया बटर मेपल सिरप वॉफल. ओ भाई साहब मेरी गाड़ी में क्या फ्रेगनेंस हो रही है इस समय. इन्होंने ना वॉफल बनाया, उसके ऊपर इन्होंने डाला है शुगर डस्ट, और साथ में इन्होंने मुझे ये बटर दिया है, और साथ में इन्होंने मुझे दिया है ओ दिस इज मेपल सिरप. All right. ओ भाई साहब ओह मैन दिस इज हेवन. यार दिस मेपल सिरप इज सो यम, और बटर ना वॉफल के अंदर पूरे ढंग से सीप इन हो चुका है, और जिसका कॉम्बिनेशन है ना, ओए होए क्या ही दिमाग लगाया यार बटर और मेपल सिरप. ओ भाई उनके पास ना नटेला वॉफल भी था, बट अभी अभी हमने चॉकलेट मशरूम खाया तो मैंने कहा यार नटेला बाद में खाएंगे. अभी भाई कुछ नई चीज ऑर्डर करते हैं. एंड भाई आई एम ग्लैड ये मैंने ऑर्डर किया. यार मैं अब जा रहा हूँ कैफे लोटा,
और अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या खाने वाला हूँ, साथ चलो फिर बताऊंगा। गाइज आई नो यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड, आप बोल रहे होगे कि भाई बात हुई थी खाने पीने की, बट हमने अभी वीडियो में देखा आर्ट एंड कल्चर। वैसे यार मैं अभी नेशनल आर्ट म्यूजियम में हूँ एंड यहाँ पे देर इज़ दिस कैफ़े कॉल्ड कैफ़े लोटा, और यहाँ पे मिलती है एप्पल सिनेमन जलेबी। कभी सुना है तुमने एप्पल सिनेमन जलेबी? भाई चेक दिस आउट, दिस सीम्स टू बी लाइक अ डोनट। भाई ये देखो चाशनी इज ड्रिपिंग। ऑल राइट, इन्होंने पता है क्या किया, मैं आपको बताता हूँ सीन इसका। इन्होंने क्या किया, एप्पल के स्लाइसेस लिए, स्लाइस ही लिया एक्चुअली, एंड उसको जलेबी वाले बैटर में डिप किया, फ्राई किया, उसके ऊपर चाशनी डाली एंड उसके ऊपर सिनेमन डाल के हमें सर्व कर दिया, और साथ में इन्होंने मुझे रबड़ी दी है शायद। ओह दिस इज कोकोनट रबड़ी, हाँ यस भाई दिस इज समथिंग विच इज सो यूनिक, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। खाना तो दूर की बात, I'm gonna dig right into it. Oh. यार इसका सीन पता कैसा है, वो मोटी वाली जलेबी होती है ना, जब आप खाते हो तो उस जलेबी के अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि उसके अंदर जेली है, वैसा कुछ फील आ रही है। द सिनेमन पाउडर इज डूइंग द ट्रिक। तो मैं तो कहता हूँ नॉर्मल जलेबी के ऊपर भी सिनेमन पाउडर डाल के खाओ, ओ भाई क्या यम लगेगी। यार फॉर मी दिस डिश वॉज क्वाइट यूनिक, और यार मुझे बहुत सही लगी, ऑल थैंक्स टू दैट सिनेमन पाउडर, सारे मज़े उसने करा दिए। और यार क्रिसमस की असली फील लेनी है ना, तो भाई दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में जाओ, वहाँ आती है भाई क्रिसमस की असली फील। गाइज आई एम एट सेलेक्ट सिटी वॉक, और मैंने ली है लॉपरा से फ्लोरेंटीन। फ्लोरेंटीन इज अ क्रिसमस कुकी। इसको बनाने का सीन बता दूँ, नीचे ना ये लोग एक चॉकलेट लेयर लेते हैं, उसके ऊपर कैरमलाइज नट्स डालते हैं एंड देन सर्व करते हैं। यार पता है क्या, वैसे तो मैं लॉपरा सिर्फ ये फ्लोरेंटाइन कुकी लेने आया था, बट मैंने ना वहाँ पे ये चीज़ भी देखी। चेक दिस आउट, यार इसका नाम पता है क्या, मैं बार बार भूल जाता हूँ, दिस इज कॉल्ड चॉकलेट मिल फ्यूई। यार ये लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या था, मैंने ना मास्टर शेफ के एक एपिसोड में देखा था, मतलब वहाँ पे कंटेस्टेंट्स को दे वर लाइक सपोज टू मेक दिस। I didn't even know how to pronounce milfoy until today. Never eaten it, never ordered it, never seen it made. तो ये उनका चैलेंज था, और जैसे ही मैंने ये पेस्ट्री देखी मैंने कहा ओ भाई ये यहाँ कैसे, सो मैंने तो ये ऑर्डर कर दी एंड दिस इज फॉर रुपीज आई थिंक 295 एंड फ्लोरेंटीन कुकीज फॉर रुपीज 225। करे भाई इसका मर्डर। ओ यार दिस इज नॉट क्रिस्प, दिस इज समवट लाइक जली जली होती है ना, स्लाइमी, हार्ड स्लाइम वैसा सीन है इसका, और इसके अंदर ना नट्स तो सिर्फ ऊपर ऊपर है। जो क्रिसमस पे केक मिलता है ना, जो फ्लेवर उस केक का आता है, वो फ्लेवर इसमें से आ रहा है पूरा पूरा। यार जैसे कुकी दिखने में लग रही है ना, बिल्कुल भी वैसे टेस्ट कर नहीं रही, आई थॉट बड़ा नटी नटी फ्लेवर होगा, इट्स नथिंग लाइक दैट एट ऑल। सो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस पेस्ट्री। आई रिकॉल उस एपिसोड में ना बड़ा नोगट नोगट कह रहे थे, मुझे नहीं पता नोगट को क्या चीज़ होती है इसमें से, बट मतलब मैंने देखा था बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की लग गई थी पेस्ट्री बनाने में। तो फाइनली कैसे खाऊं इसको, यार इतनी ब्यूटीफुल है ना, मन नहीं कर रहा मुझे इसको तोड़ने तोड़ने का। A few moments later. यार ये जो बॉल्स है ना, इसका फ्लेवर पता है कैसा आ रहा है, जो सुबह मैंने मशरूम में चॉकलेट खाई थी ना सेम, और जो नीचे बॉल्स हैं इनका फ्लेवर आ रहा है एकदम डार्क चॉकलेट जैसे, और बिस्किट्स का कुछ खास यूनिक फ्लेवर है नहीं। ऑनेस्टली यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटल मोर फ्रॉम दिस, बट भाई कंसेप्ट वाइज ओहो दिस इज गुड। ये मैं पेस्ट्री रैप अप करूंगा, ये मैं फ्लोरेंटीन को पैकअप करूंगा, और
heading to the next spot. यार मैं ना शिबांग कैफे गया था, मुझे एक जापानीज डेजर्ट लेनी थी जो कि मुझे नहीं मिली, मेरे फिर से कट गया, बट मैं खाली हाथ वापस थोड़ी ना आने वाला था. आई बॉट दिस. भाई क्रिसमस है तो यार ये वाली कुकी तो होनी चाहिए थी ना. मेरी ना एकदम नजर पड़ गई थी इस पे, तो मैंने कहा यार ये ले लेता हूँ. वैसे ना मेरा आइडिया पता क्या था आज का, 8 hours 8 desserts, बट भाई अब अंधेरा होने वाला है बाहर, शाम हो गई है और एक दो जगह मेरा कटा है अच्छा अच्छा, इसलिए यार आज 5 desserts ही हो पाए. वेल बट आई एंजॉयड माई बेट, मुझे तो यार खूब मजे आए. मतलब वो जलेबी खा के और वो मशरूम चॉकलेट खा के सांता भैया आ गए, अब इनको खाते हैं. घर में मम्मी ना ये वाला बिस्किट है ना आटे वाला, इसके साथ चाय पीती है, बस इसके ऊपर इन्होंने, समझ गए आप, सांता बना के दिया है मुझे. भाई मेरी सर नाक हाथ बॉडी हर जगह सिर्फ शुगर शुगर है इस समय, और मेरी बस की नहीं हो रही और खाना. अब भाई सच सच बताना, इतना सारा डेजर्ट देख के मजा आया ना? मुझे तो आया भाई खा के. एंड भाई अपना काम करो अब, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब. I'm gonna see you soon in next video. Tab tak ke liye, stay safe and happy eating and Merry Christmas and Happy New Year. Ta-da.